मराठी रंगमंच का एक ऐसा कलाकार जिसने अभिनय की एक नई मिसाल कायम की, वह भी महिला किरदारों की, जिसके नाम पर थिएटर हाउसफुल हो जाते थे। उनकी स्त्री भूमिकाएं महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सौंदर्य चेतना की प्रेरणा बनी। ना सिर्फ महिलाओं ने इस महान कलाकार की नकल कर अपना पहनावा साज श्रृंगार बेहतर बनाया, बल्कि युवकों में भी अपनी पुरुष देह को स्त्री रूप में देखने का फैशन चल पड़ा। वे अपने संपूर्ण अस्तित्व में सिर्फ और सिर्फ कलाकार थे। उनको मराठी संगीत नाटक के स्वर्ण काल का रचयिता भी कहा जाता है। एक पुरुष जो सालों तक महिलाओं की तरह सजता संवरता रहा, महिलाओं के कपड़े पहने, बाल बनाए और महिलाओं की तरह ही नजाकत भरे हाव भाव रखे, नाम था बाल गंधर्व। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और दोस्तों, आज के अनसुने किस्सों के सफर में बात महान कलाकार बाल गंधर्व जी की। वैसे तो इनका नाम नारायण श्री प्रसाद राजहंस था, लेकिन महज 10 साल की उम्र में इनकी गायकी से प्रभावित होकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें बाल गंधर्व नाम दिया। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि महिलाओं की तरह सजने संवरने वाले बाल गंधर्व इस काम में ऐसे मंझे हुए थे कि दर्शक इन्हें एक नजर देखने के लिए मीलों का सफर तय किया करते थे। इनकी बनाई और पहनी गई साड़ियां और ज्वेलरी को महिलाएं फॉलो करती थी। लेकिन जितना हैरान कर देने वाला इनका करियर रहा, उतनी ही ट्रेजेडी भरी इनकी निजी जिंदगी। इनकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनकर आप इतना तो जरूर कहेंगे कि संसार ने तो इन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन किस्मत ने इन्हें पूरी जिंदगी सिवाय दुख और दर्द के कुछ भी नहीं दिया। मौत भी ऐसी बुरी नसीब हुई कि भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी मौत ना दे। क्या आप मानेंगे कि ये वो थे जो बच्चों के निधन की खबरें सुनकर भी स्टेज पर नाटक करते रहे? देखने वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इनके लिए परिवार से पहले फर्ज था। इनकी जिंदगी इस तरह की ट्रेजेडी से भरी रही, लेकिन इससे इनकी कला पर कोई असर नहीं पड़ा। कैसे 2 पत्नी और 7 बच्चे होने के बाद भी अंतिम समय में इनकी अर्थी उठाने वाला भी कोई नहीं था? कैसे बाल गंधर्व ने अपने अंत को ही शुरुआत में बदल दिया? क्या है इनके मुस्लिम लड़की से प्यार, शादी और विवाद की कहानी? क्यों इतने महान कलाकार को मिली समाज की बद्दुआ? कैसे 1967 में मराठी के एक स्वर्णिम म्यूजिकल युग का अंत हो गया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 26 जून 1888 को नारायण श्री प्रसाद राजहंस का जन्म देशस्थ ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के पालुस गांव में हुआ। उनके पिता का नाम श्रीपद राजहंस और माँ का नाम अन्नपूर्णा बाई था, जो महाराष्ट्र के संगाली जिले के नागथाने गांव के रहने वाले थे। इनके पिता शौकिया तौर पर सितार बजाया करते थे, जहां से इन्हें गायन का हुनर विरासत में मिला। पढ़ने में रुचि नहीं थी तो इन्होंने कम उम्र में ही गायकी शुरू कर दी और हुनर तराशने जलगांव के क्लासिक म्यूजिकल ट्रेनिंग स्कूल चले गए। पुणे दौरे के दौरान इन्हें महज 10 साल की उम्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामने गाने का मौका मिला। परफॉर्मेंस खत्म होते ही लोकमान्य तिलक इनके पास आए और पीठ थपथपाते हुए नाम दिया बाल गंधर्व, जिसका मतलब है हुनर से भरपूर गायक। कम उम्र से ही बाल गंधर्व का नाम 1890 तक लोगों की जुबा पर था। वजह थी इनकी मधुर आवाज और भजन गाने का तरीका, लेकिन इन्हें सुनने में परेशानी हुआ करती थी। एक बार इनके हुनर पर कोल्हापुर के राजा महाराजा साहू की नजर पड़ी। जब साहू को इनके सुनने की परेशानी का पता चला तो उन्होंने खुद पैसे खर्च कर इनका इलाज करवाया और इन्हें किर्लोस्कर नाटक मंडली में जगह दिलाई। यहां से गायक बाल गंधर्व का अभिनय करियर शुरू हुआ। मंडली को लंबे समय से प्ले करने वाली महिला की तलाश थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी महिला प्ले या नाटक में हिस्सा लेने को तैयार नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब बाल गंधर्व इस मंडली से जुड़े तो उनके चिकने चेहरे और फेस कट से तलाश पूरी हो गई। साल 1906 में जब 18 साल के बाल गंधर्व मिराज प्ले में शकुंतला बनकर स्टेज पर पहुंचे तो हर कोई हैरान था।
नाजुक हाथों से पल्लू खींचना, बातों का हाव भाव और महिला बनने की बारीकी ऐसी कि देखने वाला पहली नजर में धोखा खा जाए। इन्होंने सौभद्र, मान अपमान, विद्याहरण और स्वयंवर जैसे दर्जनों शोज में कभी नंदिनी, कभी सुभद्रा, कभी भामिनी तो कभी दिव्यानी या रुक्मणी बनकर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। साल 1913 में आपसी मतभेद के कारण किर्लोस्कर नाटक मंडली टूट गई और बाल गंधर्व का काम पूरी तरह रुक गया। एक बुरा अंत था, लेकिन बाल गंधर्व ने इसे खूबसूरत शुरुआत में बदल दिया। 1913 में ही बाल गंधर्व ने अपनी गंधर्व नाटक मंडली शुरू की। इन्होंने समशया कल्लोलस मृच कटिकम, शारदा, एकच प्याला जैसे बेहतरीन प्ले किए। देखते ही देखते ये नट सम्राट बन गए। गंधर्व की नाटक मंडली में करीब 1000 लोग काम करते थे, जिन्हें गंधर्व आर्थिक मदद देते हुए एक ही छत के नीचे रखते थे। बाल गंधर्व ने अपने सटीक अभिनय और गायकी से इसे इतना लोकप्रिय बना दिया कि उस युग को गंधर्व युग के नाम से जाना जाने लगा। बाल गंधर्व के बारे में कहा गया कि महिला की खूबसूरती को इतिहास में किसी पुरुष ने कभी आज तक इतनी खूबसूरती से पेश नहीं किया है। बाल गंधर्व हर प्ले के बाद महिलाओं की साड़ियों के लिए नया ट्रेंड लेकर आते थे। इनके तरीके से पहनी गई ज्वेलरी और साड़ियां ऑर्डर पर बनने लगी थी। खूबसूरती ऐसी कि कई पुरुष ऐसे भी थे जो ये जानते हुए भी इनकी ओर आकर्षित हो जाते थे कि ये एक पुरुष है। महज 27 प्ले में इन्होंने 36 रोल किए। पूरे करियर में करीब 5000 प्ले किए, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। जहां एक तरफ बाल गंधर्व की मंडली कामयाबी की सीढ़ियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनकी निजी जिंदगी में दुख के बादल घेरे रहे थे। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बाल गंधर्व की कम उम्र में ही परिवार ने 1907 में लक्ष्मीबाई से शादी करवा दी। इस शादी से इन्हें 7 बच्चे हुए। मार्च 1911 में पहले बाल गंधर्व ने अपना बड़ा बेटा और फिर बेटी भी खो दी। बच्चों की मौत की खबर सुनने के बावजूद इन्होंने स्टेज पर प्ले करना जारी रखा। इन्हें प्ले करते देख दर्शकों की आंखों में तक आंसू आ चुके थे, लेकिन बाल गंधर्व नहीं रुके। एक बार उन्होंने कहा था, मैं पैसे देने वाले और अपने प्रशंसनीय दर्शकों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता। पहले 2 बच्चों को खोने के 7 साल बाद इनके 2 और बच्चों का बचपन में ही निधन हो गया। साल 1928 में बाल गंधर्व की नाटक मंडली को अमरावती में स्टेज परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन पहले ही दिन खबर आई कि इन्फेक्शन के चलते बाल गंधर्व की सबसे बड़ी बेटी भी गुजर गई। इन्होंने टीम को काम जारी रखने का आदेश दिए। ये शो था वसंत सेना। बेटी के गुजरने की खबर मिलने पर भी प्ले कर रहे बाल गंधर्व को देखकर फिर एक बार ऑडियंस की आंखों में आंसू थे। साल 1928 तक बाल गंधर्व के 7 बच्चों में महज 2 बेटियां ही बची थी। इनकी दोनों बेटियों की शादी कम उम्र में ही धूमधाम से करवाई गई, जिससे बाल गंधर्व भारी कर्जे में दब गए थे। बेटियों की शादी के बाद जब बाल गंधर्व और उनकी पत्नी अकेले पड़े, तो बेटे की चाह में इन्होंने यज्ञ करवाया। आखिरकार सालों बाद बाल गंधर्व और लक्ष्मीबाई के घर बेटे का जन्म हुआ, लेकिन अफसोस कि महज 1 दिन में उनका भी निधन हो गया। बाल गंधर्व के लिए सबसे दुखद समय वो रहा जब शादी के 35 साल बाद इनकी पत्नी लक्ष्मीबाई भी गुजर गई। ये पूरी तरह टूट चुके थे। 1935 तक भारत में बड़े स्तर पर फिल्में बनने लगी, तो दर्शक नाटक की बजाय फिल्में देखने जाने लगे। मंडली भारी कर्ज तले दबने लगी थी। नुकसान से उभरने के लिए बाल गंधर्व ने भी प्रभात फिल्म कंपनी के साथ 6 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 1935 में गंधर्व वी शांताराम की फिल्म धर्मात्मा से फिल्मों में आए, लेकिन यह कदम फायदेमंद साबित नहीं हुआ। पहली बार बाल गंधर्व फिल्म में लड़के के रोल में नजर आए, लेकिन फिल्म बुरी तरह पिट गई। यह नतीजा बाल गंधर्व के लिए इतना निराशाजनक था कि उन्होंने सभी कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही अधूरे छोड़ दिए और 1936 में ये दोबारा थिएटर कंपनी में महिला बनकर काम करने लगे।
15 महीनों के संघर्ष के बाद इन्होंने फिर मंडली शुरू की, लेकिन सारे नाटक एक एक कर फ्लॉप होने लगे। 1921 के बाद ये बाल गंधर्व सालाना करीब 1,75,000 रुपए कमाई करते थे। इसके बावजूद ये ताउम्र भारी कर्ज में दबे रहे। थिएटर के बड़े प्रशंसक रहे बाबू राव रुईकर ने बाल गंधर्व को मनाकर 1937 की फिल्म साध्वी मीराबाई में लिया। 50 साल के गंधर्व फिल्म में मीराबाई के रोल में नजर आए, लेकिन उभरते कलाकारों के सामने इनकी अदाओं का जादू कम हो चुका था। थक हार कर बाल गंधर्व फिर नाटक मंडली की ओर लौट आए, लेकिन अब यहां भी बात नहीं बनी। जैसे तैसे नाटक कंपनी फिर शुरू की। इस बार बाल गंधर्व अपनी मंडली को लेकर येवला पहुंचे। प्ले शुरू होने से पहले स्टेज के पास खड़े एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, कलाकारों को इतना समय क्यों लग रहा है जो पर्दा खुलने में देरी हो रही है। इस समय गंधर्व महिला की तरह संवर कर पर्दे के पीछे खड़े थे। किसी ने कहा, अरे कलाकार तैयार है, लेकिन सामने से सवाल आया, लेकिन क्या जवाब मिला, दर्शक ही नहीं है, सिर्फ 6 लोग ही आए हैं। यह सुनकर बाल गंधर्व बुरी तरह निराश हो गए और खंबे का सहारा लेकर टिक गए। फिर सवाल आया, क्या शो कैंसिल कर दे। होश संभाल कर गंधर्व ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, पर्दा उठाओ, शो होगा। घंटी बजी और शो शुरू हो गया, लेकिन इस बार शोर कर रही भीड़ नहीं बल्कि सिर्फ 5 दर्शकों के सामने। 1944 में बाल गंधर्व ने अपनी नाटक मंडली गौहर बाई के हवाले कर दी। गंधर्व ने काम छोड़ते हुए गौहर बाई को यह भी जिम्मेदारी दी कि अब उनकी जगह महिलाओं के रोल भी वही करें। पहली पत्नी को खोने के 11 साल बाद बाल गंधर्व ने अपनी ही नाटक मंडली के सिंगर गौहर बाई से शादी कर ली। गौहर बाई सपने लिए गांव से बॉम्बे पहुंची तो उन्हें बाल गंधर्व के नाटक मंडली में जगह मिल गई। ये भी गंधर्व की आवाज और कला की दीवानी थी। घंटों इनके गाने सुनती और मन ही मन इन्हें पसंद करने लगी। आखिरकार बाल गंधर्व भी इनकी तरफ आकर्षित हो गए। दोनों ने जब 1951 में शादी की तो हंगामा मच गया। पहले ही भारत हिंदू मुस्लिम के दंगों के बीच संघर्ष कर रहा था और दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवार के बाल गंधर्व ने मुस्लिम महिला को धर्म पत्नी बना लिया था। नतीजतन दोनों का परिवार खिलाफ हो गया। सालों तक साथ रहने के बावजूद दोनों की कोई संतान नहीं हुई। गौहर बाई से शादी के 1 साल बाद ही बाल गंधर्व फालिस का शिकार हो गए थे, जिससे ये कभी ठीक नहीं हो सके। आखिरकार सबने ये नतीजा निकाला कि ये लोगों की बद्दुआ थी कि इन्हें बच्चों का सुख नहीं मिला। साल 1964 में बाल गंधर्व की दूसरी पत्नी गौहर बाई का भी निधन हो गया, जिससे एक बार फिर बाल गंधर्व दुनिया में अकेले रह गए। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हर कदम कामयाबी मिलने के बावजूद ये ताउम्र कर्ज में ही दबे रहे। न काम, न परिवार, न हेल्थ, हालत बद से बदतर हो रहे थे, लेकिन इनका इलाज करवाने वाला भी कोई नहीं था। जब 1960 आते आते बाल गंधर्व की हालत गंभीर हो गई तो इनका दोस्त पुणे से अपना काम छोड़कर बॉम्बे पहुंचा। लंबा इलाज चला, जिस दौरान ये 3 महीनों तक कोमा में भी रहे। आखिरकार 3 महीने तक बिना करवट लिए बिस्तर पर पड़े हुए बाल गंधर्व का 15 जुलाई 1967 में निधन हो गया। ये सिर्फ बाल गंधर्व का ही नहीं बल्कि मराठी म्यूजिकल युग का भी अंत था। अगर बात करें बाल गंधर्व को मिले अवार्ड और सम्मान की, तो 1955 में बाल गंधर्व को प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए संगीत नाटक मंडली की तरफ से नॉमिनेट किया गया। 1964 में भारत सरकार की ओर से बाल गंधर्व को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1968 में पुणे में बाल गंधर्व के सम्मान में बाल गंधर्व रंग मंदिर का उद्घाटन किया गया। 26 जून 2011 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मराठी फिल्म बाल गंधर्व फिल्म बनी, जिसे 3 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शायद सच ही कहा गया है, हमें किसी की असली अहमियत उसके जाने के बाद ही समझ आती है। जिंदगी से भली तो अब मौत लगने लगी है साखी, कोई दर्द भी नहीं और मान सम्मान का बोनस अलग। दोस्तों, औरत को फैशन सिखाने वाले महान कलाकार बाल गंधर्व जी के किस्सों का सफर यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
अगर आपके पास बाल गंधर्व जी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।